अबे ओ बुड्ढे कहाँ घुसा चला रिया? एमएलए साहब से मिलना। अरे वो यहाँ नहीं है, कहीं गए बाहर। अच्छा कब तक लगाएंगे? पता ना भैया, वो ऐसी दिमाग का झाटू, पता ना आगा भी ना आगा, तू 5-6 दिन बाद आइए। तेरी साले, तेरी बहन का बुट्टा चोद तू, हाथ छोड़ लिया। वे क्या मामला है? देख रहा हूँ एमएलए साहब, तुमसे मिलने को मना कर रिया, यू कह रिया 4-5 दिन में आइयो। अब हमने वोट दिया तब जाके एमएलए साहब बने। मत भूलो, मैं इस गांव का सरपंच हूँ, पूरे गांव ने मेरे कहने पे वोट दिया, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी एमएलए बनने की। समझाओ इस गार्ड को, आदमी देखते बात करे, जनता उठाना चाहती है तो गिराना भी जानती है। ए, आने दे इन्हें, और हम जनता की सेवा के लिए हैं, तू इन्हें बिठा, मैं नीचे आता हूँ। क्या हुआ है एमएलए साहब, 2 साल हो चुके हैं तुम्हें बने हुए और गांव में कुछ काम नहीं हुआ है, कभी सारा पैसा खा तो नहीं रहे हो? पैसा वैसा नहीं खा रहे हैं, फाइल कहीं अटकी हुई है, निकलते ही काम स्टार्ट करा देंगे गांव में हम। ठीक है। कहाँ गया भाई सरपंच? जाओ जरा लेके आओ सरपंच को। इन्हें सरपंच से क्या काम पड़ गया बुड्ढे से, इनकी उम्र के हम हैं जवान पट्टे, आओ हम बात करेंगे। जब देवराज भाई ने सरपंच को याद किया तो तुम लोगों की आज इतनी औकात हो गई कि तुम बीच में बोलोगे? बोल के दिखाओ जरा कौन सा बोलेगा। कोई है तो बोल के दिखाओ, सुअर हो, हमें क्यों खाली मूली में आके कर रहे हो? हाँ तो भाई सरपंच, तूने बनाया है एमएलए को, तू चाहेगा तो एमएलए क्या सरकार भी गिरा सकता है, क्योंकि तुम तो सरपंच हो। देवराज भाई मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अबे यार समीर, ये तो गलत हो रहा है, ऐसे तो ये सरपंच को मार देंगे, हमें कुछ हिम्मत दिखानी चाहिए। अबे चल बे, खड़ा रहा यहीं चुपचाप, मुंह तो निकला पड़ा, टट्टी भी निकल जाएगी। सुनो रे, यहाँ एमएलए जो चाहेगा वो होगा, और जो एमएलए बोलेगा वो करना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। चलो रे। ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? मैं उठाने के लिए तैयार हूँ गांव की जिम्मेदारी, आज से तुम्हारा सरपंच मैं। भोसड़ी के कोई बन जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चाय बना दियो भाई। ये क्या है भाई तुम्हारे सामने खंडर सा बंद पड़ा? खंडर ना हुआ ऐसे भी इसके अंदर पान मिले है। अच्छा अबे पान के तो बहुत बड़े आशिक हैं हम, तुम चाय रहने दो, पान खाएंगे आज। बस सुन तो लेता। हाँ पान चाहिए था भाई साहब। ओ कोडबट में बात कर रहा, मिल जाएगा पान तो खिलवाओ। कौन सा खागा? श्रीमान या जासमीन, कौन सा खागा बता? भाई साहब पान को कह रहा हूँ मैं, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ? भैया कौन सा खागा, मीठा खागा, कत्थे का खागा, 00 का खागा, कौन सा खागा बता तो? मीठा खिलवाओ। जासमीन आजा। आओ पान खिलाओ। आओ क्या, अंदर को आओगे जब भी तो खिलाऊंगी पान, आओ। अरे अंदर से क्या मतलब है, यहीं पे खिलाना? पागल है क्या तू, पहली बार आया है कि कोठे पे? अंदर को आ, कमरा बंद करके जभी तो खिलाऊंगी तुझे पान। उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही है, अंदर से क्या मतलब है, कौन सा पान है भाई अंदर? अरे चूतिए, ये वाला पान मिलेगा अंदर।
बहन की लोड़ी बदतमीजी में उतर गई तू, अभी बताऊंगा देख तू ये। सर एक मिनट सर, सर गलती हो गई सर, आज के बाद में होगी सर। सर जैसा आप सोच रहे हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ सर, मैं तो बस ऐसे ही टहलते टूलते आ गया था। टहलते टूलते हैं कोठे पे टहल लिया तू, यहाँ तो तेरी ससुराल होगी। सर 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 सर, आराम से आराम से, एक एक करके पूछो। सर विजयवाड़ा गांव के अंदर देवराज नाम के गुंडे ने दो लोगों की जान ली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपके पास सबूत है? आप मीडिया हो तो किसी भी इज्जतदार आदमी पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। अगर आपके पास सबूत है तो मुझे दिखाओ, मैं खुद उसे जेल तक पहुंचाऊंगा। सर मैं एक बात और जानना चाहता हूं, ये जो आपकी फैक्ट्री से प्रदूषण फैल रहा है, लोग इससे बीमार हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? चूतिया वो लोग उधर को जाए क्यों रहे हैं, इतना बड़ा शहर पड़ा है उसमें घूमे। सर एक सवाल और, कि आप अब किसी केले की जगह पपीते के निशान पर खड़े हो रहे हैं? कौन बहन का चुराया कर रहा तुझसे? फाड़ दूंगा बीच में से, केले के चिन से खड़ा होता हूँ, केले के चिन से खड़ा होऊंगा। हटो आप, नो कमेंट। यहाँ पे ये दोनों यहाँ क्या कर रहा हो तुम? अबे यहीं तो काम करता हूँ मैं। अच्छा और बलदेव भाई तुम क्या करने आए हो यहाँ? मैं माचुत बारी हूँ। अबे भोसड़ी के दिखना रही है तू, ये जब काम कर रही हूँ तो काम ही कर रही हूँ। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ यार, मैं भट्टे पे जा रही था काम पे लगने के लिए, मुझे यहीं लगा लो ना अपने साथ, दिल भी लगता रहेगा तीनों का। कह तो सही रिया, आ इसके काम के मालिक से बात करते हैं। मालिक? अबे ये है तेरा मालिक? तू कैसे जानता है भाई मुझे? जानता हूँ। अबे कल जो तुम कोठे पे थे, पुलिस लेकर जा रही तुम्हें, तुम हेलमेट लगा के भाग रहे, मैंने ही तो पकड़वाया तुम्हें, पुलिस मैंने ही तो बुलाई थी, तुम इतनी जल्दी भूल गए यार। मालिक क्या हुआ? क्या हुआ साले कुत्ते, तूने पूरी गाँव में मेरी इज्जत खराब करवा दी, बच्चा बच्चा तक मुझे जलील कर रहा है और तू पूछता है क्या हुआ? अबे रोज रोज बिरयानी खाकर थक गए थे तो सोचा आज कोरमा खाकर आए, तो इसमें गलत क्या करा? मैं मालिक साहब क्यों झूठ बोल रहे हो, कोरमा खाने गए लेने गए हूँ। तो बिटी चोद इस बात को क्या खुल के बतागा, तेरी वजह से साले मेरी बहू छोड़ के भाग गई और चार साले हैं मेरे, उन्होंने पता है कितना मारा मुझे, और सास ने तो फुगनी फेरी है मुझ पे। चलो मालिक साहब गलती हो गई, अब रख लो काम पे। काम पे रख लो? तेरी वजह से जेल काट के आया हूँ और तुझे काम पे रख लू? निकल जाए यहाँ से, जा कबर बिजू। सोच लो अगर मुझे न रखोगे ना काम पे तो ये दोनों दोस्त है मेरे पक्के वाले, ये भी काम छोड़ के चले जाएंगे, मेरी झाटों में मिल जाएगी टाल पाल तुम्हारी। अबे चल बे भाड़ू, हम तेरे चक्कर में अपनी नौकरी क्यों छोड़ेंगे, चल बे चल काम पे। कार बहुत महंगी है फरारी की, माँ का भोसड़ा ऐसी यारी की। अरे सीलमपुर की ट्राली भिजवाई के नहीं भिजवाई अभी तक? और मुंशी जी मैं कह रही हूँ अपने भट्टे पे मुझे काम पे रख लो यार, मुंशी जी खाली हूँ इन दिनों। चल ठीक है रख लूंगा। तुम मुझे मुंशी जी हिसाब किताब लगाने पर रखो, मिनटों सेकंडों में लगा देता हूँ हिसाब किताब। अच्छा भाई पढ़ा लिखा है तू? अरे चूतिया हो गया यार, पढ़ा लिखा हूँ जब भी तो हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ, मैथ से डबल एम ए कर रखा। अच्छा भाई तो ये बताइए 5000 ईंटों में से 2000 ईंटें कम कर दी तो कितनी ईंटें बची? 4500। बहुत बढ़िया बेटे, तेरे हाथ में अगर हिसाब दे दे तू तो 2-4 दिन में भट्टे की मात चोद देगा। तेरे हिसाब से ईंटें उठाने का काम है वो करे तो बता। आई एम सॉरी मुंशी जी ईंटें नहीं उठा पाऊंगा मैं। तो फिर कहीं और काम ढूंढ ले भाई। ये बताओ कौन सी ईंटें कहाँ रखनी है? ये वाली ईंटें ट्राली में लोड करवा। ये तो बहुत ईंटें हैं। अरे मुंशी जी यार ये बहुत सारी ईंटें हैं, ये मुझसे नहीं उठेंगी, कोई और काम बताओ तुम। अरे यार तेरे लिए सिर्फ यही काम है, नहीं तो जा भाई अपने घर। बहन की लोड़ी का बावला कर रहा हूँ मुंशी जी, कर लूंगा ये, तुम चुदर चुदर मत करो वहाँ बैठे बैठे, सब कर लूंगा। यार क्यों ना नडवर और बलदेव को भी यहीं लाया जाए, काम तो काम है। हाँ यार उन्हें बुला के लाऊं यहीं और यहीं लगवाऊं काम पे। देवराज भाई मैं कह रहा था खर्चों में कुछ दिक्कत चल रही है, पैसे बढ़ा देते थोड़े सारे। अबे वो पैसे वैसे ना बढ़ेंगे, तू भी मेरी तरह सेकंड इनकम कमाना, ओक्टा एफएक्स से मैं भी वहीं से कमाता हूँ। बहुत कमा रहे हो क्या आप? कमा सकता हूँ लेकिन मैं अभी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, 15,000 से 20,000 रुपए हर मंथ कमा लेता हूँ और ये मेरे लिए बहुत है। ये बहुत अच्छा है, मुझे भी बताओ। ये मैंने बताया था ओक्टा एफएक्स एक ट्रेडिंग ऐप है, हाल ही में इसको द बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया 2021 का अवार्ड भी मिला है। अच्छा और ओक्टा एफएक्स बनाई गई है दिल्ली कैपिटल्स की प्रिंसिपल स्पॉन्सर 2022 में। इस ऐप में तू ट्रेड कर सकता है 35 करेंसी से, पेयर्स गोल्ड इंडीज क्रिप्टो और वो भी बिना कोई कमीशन। तुमने ट्रेड करना कैसे सीखा? जो विनर्स हैं इन्वेस्टिंग के लिए वो उन्हें देते हैं सारा एडिशनल कंटेंट जो जरूर
रही है और विनर्स को देते हैं 24 घंटे सातों दिन सपोर्ट। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या? डेमो अकाउंट कॉन्फिडेंट फिल करते ही स्विच करना है रियल अकाउंट पर रियल प्रॉफिट के लिए। तू बस 3,000 रुपए से स्टार्ट कर सकता है और अपना प्रॉफिट तू विड्रॉल कर सकता है बैंक अकाउंट, UPI और क्रिप्टो वॉलेट, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये बढ़िया है, मुझे सीखना है और कमाना है। ओक्टा FX के साथ कोई भी कर सकता है। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाओ, वहां पर मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव 50% का बोनस और एक्स्ट्रा इनकम। कमाओ यार, चल बे गाड़ी निकाल, आज गांव वालों से भी खाना है। जाओ पूरे गांव से हफ्ता लेके आओ, और हफ्ता भी डबल होना चाहिए। ठीक है भाई। अबे देवराज, वे टॉप ऊपर करिए जरा। तू यहाँ हुआ, तू वही है ना जब मैंने सरपंच को पेला था तो तू कुछ कह रिया था। हाँ बता क्या कह रिया था। ना देवराज भाई, ये बात नहीं मानूंगा आपकी। मैं हो ही नहीं सकता, मैं रहते ही ना हूँ ज्यादातर गाँव में। इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। ना यार, कसम से देवराज भाई, यकीन मानो। और देखियो, मेरा तो हाथ तलक खराब है, हाथ का इलाज करवाता फिर रही हूँ, ये चलता ही ना मेरा एक हाथ। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। हैं, हाथ खराब है तेरा? ओहो, ले तो ले, छड़ी रख ले, इसे बेच के अपने हाथ का इलाज करा लिए। पर यार ये भारी बहुत है, तुझसे एक हाथ से उठेगी नहीं। तो मैं दोनों हाथों से उठा लूंगा। हाँ ये तो है, एक हाथ से उठेगी नहीं देवराज भाई। भोसड़ी के ज्यादा चलाक बनिया, मादर चोद मुझसे चलाके दिखा रही। जेब में से पैसे निकाल कितने हैं? देवराज भाई तुम्हारी जान की कसम, पैसा एक भी नहीं है। साले तू अभी रुक, ये ही है बस, चाय झाड़ा ले लो, चल निकल। चाय यहाँ से देख के रिया। बलदेव भाई, अबे ओ भाई, ये तू क्यों आ गया यहाँ को? यार मालिक ने देख लिया तो हमें भी नौकरी से निकाल देगा, तू जा यहाँ से। अरे उसकी क्या औकात तुम्हें नौकरी से निकालेगा, मैं खुद निकलवाना आया हूँ तुम्हें इस नौकरी से। क्या करो, ये पूरा दिन लकड़ियां पकड़ियां उठाते रहो, हाथों में ठेठे तक पड़ी हुई है तुम्हारे। हालत देखिए अपनी, सुअर लगते हो दोनों के दोनों तुम। क्या यार, क्या नौकरी करते हो, कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? 380। 680 दिलवा दूं डबल तो कैसी रहेगी? मेरे साथ चलो भट्टे पे, वहाँ काम लगवाऊंगा तुम्हारा। मालिकों वाली बात है वहाँ पे मेरी। और काम कितना है ये भी पूछो। कितना? यहाँ बैठे बैठे ईंटें यहाँ से यहाँ पहुँचानी है, बस बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा। 680 रुपए डबल पेमेंट, कैसी रहेगी बताओ? और अंदर की बात बता दूं, तुम्हारे भाई की वहाँ मालिकों वाली बात है भट्टे पे चलती है। अबे ओए, तुमने फिर बुला लिया इसे, भगाओ इसे यहाँ से, ना तो तुम्हें भी निकाल दूंगा नौकरी पे से। अरे तू क्या निकालेगा समीर भाई? अबे तू क्या छोड़ भागा नौकरी साले, हम खुद छोड़ रहे। अबे इतना सारा काम खराब है हमसे, और क्या रुपए दे बे? 380 रुपए। और पूरे गांव में तूने हमारी थू करवा रखी है, पूरा गांव कहता है कि तुम्हारा मालिक ऐसा है तो तुम कैसे होगे? नटवर, आज तू इसके चढ़ाए में आ गया, नौकरी छोड़ रहा है, सोच लिया? अभी सोच लिया, छोड़ दी नौकरी। ये बहुत शानदार फैसला हो, जाओ बेटे जाओ, और आज के बाद सूरत मत दिखा देना अपनी। अबे चल सड़ा हुए, अब क्यों दिखाएंगे तुझे अपनी शक्ल, आओ बे। अब देखो तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी, एक तो मेहनत नहीं पड़ेगी ज्यादा और पैसा डबल मिलेगा। वहां कर रहे यार फुक्के के पास तुम साले के। मुंशी, इन दोनों का नाम भी रजिस्टर में चढ़ा लो, ये भी काम करेंगे मेरे साथ। अबे चल बे, भट्टे का वैसी मद्दा चल लिया, तुझे काम पर रख लिया यही बहुत है, जा जाके ईंटें पास। अबे ये तो काम पर रखने को मना कर रहे हैं। अबे रुक तो जा यार, जब मैं कह रही हूँ यहाँ पे भट्टे पे मालिकों वाली बात है, अपना भट्टा आए, रुक जा अभी, देख रहा हूँ इसकी। मुंशी जी प्लीज यार रख लो। मुंशी जी देखो, मैं पैर पकड़ लूँ अभी आपके आगे यार, प्लीज देखो बात खराब हो जाएगी, मैंने कह दी इनसे। अरे हाँ हाँ चल ठीक है, जा अपने साथ लगा लेना काम पे। देखा तुमने, तो मैं पहले कह रहा हूँ मालिकों वाली बात है, चुटकी बजाते ही रख लिया ना, रख लिया तुम्हें। आओ चलो आओ, ये वाली ईंटें देख रहा हूँ, ये हमें वहाँ पेड़ के पास पहुँचानी है तीनों को। अब ओ तू तो यूँ कह रही है यहाँ से यहाँ रखनी है, ये तो बहुत दूर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ वाली खत्म हो गई ना, भट्टे पे बहुत काम चलता, अब ये वाली भी खत्म हो जाएंगी। चल यार, हम मेहनत करने से पीछे न हटते, लेकिन पहले एक बार मुंशी से बात कर ले, पैसों की बात में अच्छा ना लगता हमें। मुंशी जी इन्हें पैसे बता दिए जरा, कितने रुपए दोगे इन्हें? अरे इन्हें भी बोई दूंगा जो तुझे दे रही हूँ, 170 रुपए। बताओ हाँ कर दूं मुंशी जी से, ना कर दूं? कर रहा हूँ काम, ना करोगे? हाथी के भोसड़े, इससे अच्छा तुम वहीं थे, 380 तो मिल रहे, चल भी चला हम ही करेंगे, हम ना कर रहे हैं यहाँ पे काम। वहाँ को आप कैसे चले जाओगे? मैंने तुम्हें भड़काना दिया मालिक के खिलाफ, तुम्हारे
कितनी सुना के आयो गालियां उसे, वो रख लेगा काम पे, मारेगा अलग तुम्हें। अरे बलदेव मुझे रोक ले, कहीं इसकी गांव में चिमली ना घुस दूं मैं। अरे चल रुक जा यार, अब यही करना पड़ेगा। चल काम बता, क्या काम करना हमें? ईंटें उठानी है और क्या करना। लेकिन तुम दिल से काम करोगे ना तो तुझे यहाँ का मैनेजर बनवा दूंगा, मालिकों वाली बात है तुझे पता ही है। काम कर यहाँ पे चल। भोसड़िया मारेगा तो बनवाऊंगा ना मैनेजर, कहीं बोल लिया जाता। अरे अरे तूने क्या कर दिया देवराज, तुझे मैंने बुड्ढे को धमकाने के लिए भेजा था, ना कि उसे मारने के लिए। उसे मारा तो ठीक, लेकिन तूने एक और गेम बजा दिया। तुझसे कोई नहीं पूछेगा, मीडिया को जवाब मुझे देना पड़ता है सारा। अरे एमएलए साहब क्यों बातें चोद रहे हो, तुमने आज तक किसी मीडिया वाले का जवाब दिया है? तुम खुद मीडिया से क्या कह चले आते हो नो कमेंट्स? छुपा ले इसे देवराज, इसका खोपड़ा फाड़ दूं यहीं। तुम्हारा क्या है, तुम तो मुंह उठाते हो और मर्डर कर देते हो ठाई ठाई, जवाब तो हमें देना पड़ता है सारा। फिर मैं कुछ कहूंगा एमएलए साहब तो फिर तुम्हें चेतवे लग जाएंगे। मुंह उठा के नहीं, मर्डर होता है बंदूक उठा के। छुपा ले, देख इसे छुपा ले, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा वरना। चुबे, देखो एमएलए साहब, जब मेरे दिमाग की सटकती है ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है। खैर ये सब छोड़ो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देख देवराज, सेक्टर 6 में जो बिल्डिंग बन रही है उसके मालिक ने अभी तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं पहुँचाया है। तू उसके पास जा, उसे डरा धमका और मेरा हिस्सा लेके आ, जिसमें से मैं तुझे 20% दूंगा। 20 रुपए में क्या हो रहा है देवराज भाई का? मेरी तरफ से डील कैंसिल। चलो देवराज भाई। तेरी लल्ली को छोड़ूं तेरी साले जाहिल गवार, 20% का मतलब 20 लाख रुपए। मुझे पता है एमएलए साहब, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही। साले तुझे ज्यादा पता, गांड में इधर की तरफ से डाल के ना ऐसी खींच दूंगा। बहनचो जानता ना दिखाया मेरे गुस्से को। ठीक है एमएलए साहब, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है बिल्डिंग का काम भी स्टार्ट करा दिया और एमएलए का हिस्सा नहीं पहुंचाया अभी तक। अबे जमीन मेरी, पैसा मेरा, एमएलए का काय का हिस्सा दूं? जमीन कितनी भी हो तेरी, पैसा चाहे कितना भी हो तेरा, एमएलए का हिस्सा जागा तो जागा। अबे कोई हिस्सा विस्सा भी नहीं दूंगा, एमएलए हो या कोई भी हो, चल यहां से हट। भाई गलती हो गई, पहुंच जाएगा आपका हिस्सा। एक मिनट भाई, जरा मैं उसे और धमका के आता हूँ। अबे ये पकड़ अकाउंट नंबर, इसमें 3000 रुपए अलग से डलवा दिए और किसी को पता ना चले, वरना उतने खतरनाक वो नहीं है जितना मैं हूँ, समझा? हाँ भाई। सर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसमें कुछ गुंडे आके मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और एमएलए का हिस्सा मांग रहे हैं। अच्छा भाई, क्या नाम है उस गुंडे का, नाम तो बता, अभी एफआईआर लिखता हूँ। सर उसका नाम देवराज है। का साले पागल है क्या, अब खुद तो मरेगा मुझे ही मरवाएगा, जानता देवराज कौन है, उसके खिलाफ कोई भी ना जा सकता, और मैं क्या कोई भी लिखेगा तेरी रिपोर्ट, चल निकल ऐसे। क्या हुआ सर, कानून में इतनी ताकत कहाँ है जो हमारी मदद कर दे, आपके सिपाही ने मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। चला चल रिपोर्ट लिख इसकी। अरे सर चुप, रिपोर्ट लिख। सर जी तुम्हें नहीं पता किसकी रिपोर्ट लिखवा रही है, जानते हो देवराज को, बहुत खतरनाक इंसान है वो। तुझसे जितना बोला जाए उतना कर। अरे सर तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जान तक ही बात आ सकती है। तू मुझे मौत से डरा रहा है, जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी थी उसी दिन मैंने अपने लिए 250 ग्राम का कफन भी ले लिया था। मैं मौत से नहीं डरता, तू बस इसकी FIR लिख और मुझे देवराज का पता बता। सर ज्यादा तो मुझे पता नहीं, पर भट्टा नंबर 2 के पास से एक रास्ता जा रहा। बलदेव यार जब तू पैदा हुआ होगा तो तेरी अम्मी के 2-4 ऑपरेशन तो हुए होंगे कम से कम। क्यों भाई, तेरा सिर इतना बड़ा, पूरा ट्रम्बा, हर तरफ को काया फैली पड़ी है तेरी। जब मैं पैदा हुआ तब तो इतना सही था तुम्हारी तरह, अभी तो हुआ हूँ ऐसा। अरे यार इन बातों को छोड़ो, गांव के हालात भी बहुत खराब चल रहे हैं। हाँ यार गांव के हालात तो खराब होने ही है, कौन जाएगा देवराज के खिलाफ? देवराज के खिलाफ मैं जाऊंगा यार। तू? हाँ मैं। तू क्या कर लेगा देवराज का? हाँ ये भी है यार, हम तो मामूली मजदूर हैं, हम क्या उखाड़ लेंगे उसका, कोई नहीं जा पाएगा यार उसके खिलाफ। पर पुलिस कुछ कर सकती है।
पुलिस कुछ कर सकती है? क्या कर लेगी पुलिस? पुलिस देवराज भाई तो दूर की बात रही, मुझसे नजरें नहीं मिला सकती। मेरे सामने खड़ी हो जाएगी पुलिस? अगर मुझसे नजरें मिला ले पुलिस तो मैंने जानी है। जा पुलिस। ओ, देवराज का घर किधर है यहाँ पे? सर नमस्कार, देवराज भाई का घर। भाई भैया है तेरा देवराज? पहले इसे गिरफ्तार कर। नहीं सर, देवराज की माँ का भोसला, मेरा काय को भैया होता, मैंने तो कल बाजार में मारने से छोड़ा उसे, कान पे उतर गई साले के। बता चल घर किधर है देवराज का? इधर से इधर। तू तो साले पैरों में जाके गिर गया। कानून के रक्षक हैं यार, इनकी इज्जत करनी चाहिए। सरकार ये माफ कर दो सरकार, मुझसे गलती होगी, आज के बाद नहीं होगी। ओए ए गन नीचे कर। ए ए चुप करो बे कुत्तो। तूने साले मेरे सामने एक आदमी का मर्डर करा है, तुझे तो मैं जेल जरूर पहुंचाऊंगा। तूने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर गोली चलाई और तेरे आदमी ने मेरी आंखों के सामने मर्डर किया है, तुम दोनों को तो जेल होने से कोई नहीं बचा सकता। 4 सेकंड, गोली तुम दोनों के भेजे से पार, पहले ये सोच तुम दोनों को कौन बचाएगा। साड़ू साहब गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती ना होगी। अच्छा छोड़ो, मैं आपके तो हाथ मिलाने के काबिल ना हूँ। आओ भाई चल 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 जल्दी निकल यहाँ से, इससे बहलना ठीक ना है। यार मैं इतने गुस्से में आया था, मैंने सोचा था मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, लेकिन यार वो इतना खतरनाक निकला कि उससे देख के मेरी फट गई। पर यार ये जो पुलिस वाली भड़ास है वो कैसे निकालूं? क्यों बे, तू ना गाली बकी थी ना देवराज को? जानता है वो कितने इज्जतदार आदमी है, मेरे बड़े भाई के समान है वो। अरे ना अंकल जी, वो मैं ऐसी कह रहा था बस। अंकल कह रहा, तुझसे 2-2.5 साल छोटा ही होगा मुच्छड़। तेरा फलान काट के बीच चौराहे पे टांग दूंगा, पूरा गांव देखेगा तेरा फलान। समझ जा क्या कह रहा हूं मैं? हैं? हट हट चल बे चल, समझ जा। हैं? हैं? हट। अब सुकून मिला मुझे, अब जाके लगा पुलिस हूं मैं। सर तुमने देवराज का सारा गुस्सा इन बेचारों पे निकाल दिया। करना पड़ता है। यार कानून की इज्जत करता हूँ मैं, इस वजह से कुछ ना कही वरना यहीं सूद देता इन्हें मैं। अबे सुन ली दिखा है भोसड़ी। चले आए यहां से। क्यों बे अभी तक सो रही? चल उठ जा, तेरी शादी के लिए लड़की देखने चल रहे हैं। अरे पापा इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला? चल तो ठीक है, रहन दे। ना ना चल तो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त भी चलेगा समीर, वो बहुत अच्छा और भला लड़का है। हाँ चल ठीक है, बुला ले उसे भी, लेकिन जल्दी तैयार हो अभी चलना। चल ज्यादा ही आवाज निकल रही है। पागल हो गए तुम, खाली मुली में ताव हल्ला कर रहा हो। अब रोड पे गाड़ी तो तेज चल रही है, ला मैं चलाऊं तुमसे नहीं चलेगी, जाओ तुम भाई साहब। बावली वाले बात है यार। समझे अपनू सिकंदर, ए चक दे पट्टे।
लो साहब नाश्ता शुरू करो। क्या है ये नाश्ता है? बेइज्जती करने बुलाया हमारे यहाँ पे? ऐसे हो नाश्ता? हमारे यहाँ आना कभी, काजू बादामों से प्लेटें भरी रहती हैं हमारे यहाँ। और फटे हुए रसगुल्ले का नाम सुना? दबा के चलवाता हूँ मैं अपने यहाँ नाश्ते में। चल भी चल, रिश्ता कैंसिल ये वाला हम ना कर रहे। सबके सामने पिटेगा अच्छा लगेगा, तू बैठा रहे। और तुम लड़की बुलाओ यार। भूरी बेटा बाहर आओ। अबे कितनी खूबसूरत है यार, इस सड़ौवे की होगी इससे शादी? ये सिर्फ मेरे लिए बनी है यार, इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए। समीर की दुल्हन बनेगी ये। पापा लड़की पसंद है मुझे। लो जी लो, हमारे लल्ला को पसंद है तो हमें ही पसंद है, रिश्ता मंजूर। अरे चूतिया हो क्या, एक मिनट में रिश्ता मंजूर कर दिया? गुड्डे गुड़िया का खेल ना है, शादी हो रही है। दोनों बाप बेटे पीछे जाके मशवरा करो पहले, फिर जवाब देना। जाओ। सही कह रही यार लल्ला। देखो जी भाई साहब, मेरा नाम तो आना नहीं चाहिए, इनके घर में अपनी लड़की मत दो। अबे बहुत ही सुअरों का खानदान है, पता है ये चोरों चक्के हैं साले। लड़का कुछ नहीं करता, बाप कुछ नहीं करता, बाप तो इतना सुअर है तुम्हारी लौंडिया को कब पेल देगा पता भी ना चलेगी। और सुनो, मेरे भट्टे पर लड़का काम करता है, मेरा खुद का भट्टा, अपनी लड़की के साथ ही मुझसे कराओ। तुझसे? हाँ हाँ मुझसे यार, भट्टे का मालिक हूँ मैं, मालदार पार्टी हूँ, और इन बहन करोड़ों से कराओगे यार? रिश्ता मंजूर है जी हमें। देखो भाई साहब, रिश्ता तुम्हें मंजूर होगा, हमें मंजूर नहीं है, हमें सच का सब पता चल गया। सच का पता? हाँ, लेकिन इन भाई सब को कुछ मत कहियो, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया इन्होंने। ए, भूतनी के नाम तो ले दिया। अबे भाई साहब, किसी के यहाँ रिश्ता देखने जाते हैं, गाड़ी तो खुद की खरीद लो। तुम्हारा लोंडा कुछ नहीं करता, तुम कुछ नहीं करते, हम ना करेंगे तुम्हारे घर में रिश्ता। चुप भोसड़ी के, तू इसके चढ़ाई मारिया, और ये तेरा यार है जो हमारे खिलाफ भड़का दिया। और तुम्हें पूरी बात का पता, जिस भट्टे पे ये काम कर रहा है उस पे हमारा लोंडा काम कर रहा है, और हमारे लोंडे के नाम में ना 8 बीघे जमीन आ रही है, और इसके पास तो कुछ भी ना, अब हम ना कर रहे ये रिश्ता। अरे सुनो तो भाई साहब, गलती। अरे हटा जानू, सुन तो लो डैड क्या कह रहे हैं। देखियो पापा, इतने अच्छे घर की लड़की मुझे जानू कह रही है, मैं तो इससे शादी करूंगा। चलो ठीक है, हमारे लड़के को अब भी रिश्ता मंजूर है। अबे ये तो फिर पक्का हो गया। लेन देन की तो बात कर लो पहले, क्या देंगे दहेज में ये? चलो ठीक है, लेन देन की बात ही क्या, लड़के को दहेज में अपाचे देंगे? ना जी ना, बिलेरो से नीचे हाथ ना रखूंगा, लड़के के नाम में 8 बीघे जमीन है। ना भाई साहब, हम कान ना देंगे, हम तो अपाचे ही गाड़ी देंगे। लो हो गया रिश्ता कैंसिल, चलो आप घर को। सुन तो लो जानू। ए, हर बार में जानू ही कहती रहेगी दहेज न लूं। देख लो सुसर जी, मैं अपाचे में राजी हो जाऊंगा, बताओ। चल भोसड़ी के, निकल आते। देख भाई देवराज, एक बहुत बड़ा टेंडर आया है जिसमें गांव वालों की सारी खेती की जमीन पर एक मॉल बनना है। तू उन्हें छोटा मोटा लालच दे और उनसे सारी जमीन छीन ले। एक बात का ध्यान रहे, उन्हें ये नहीं पता चले कि इसमें मेरा हाथ है, वरना मेरा पॉलिटिक्स करियर खराब हो जाएगा। ठीक है एमएलए साहब, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारा मुनाफा क्या होगा? अब साले 20 कपड़े की झांक, तुझे हर बार पैसे नहीं दे रहा हूं, इस बार तेरे 30%। अबे हटाओ यार, फिर से मेरी तरफ से डील कैंसिल। 30% से 3,000 रुपए हो गए, उसमें हमारा क्या हो रहा है? अबे तू इस अंगूठे टेप को अपने साथ क्यों रखे है? अबे यार, ये कम से कम 2 मी पास है, तो हम तो बिल्कुल अंडा पो हैं, बस इसी चक्कर में मेरा खास आदमी बना फिर रहा है। अबे जाहिलो, 30% से भी तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आएंगे। तो ठीक है एमएलए साहब, तुम्हारा काम हो जाएगा। समीर भाई, दहेज का मैटर नहीं होता ना, तो लड़की तो मुझे पसंद थी। कौन सी लड़की यार? तू चुप कुत्ते, साला सुअर। तू ये बता, वो लड़की बढ़िया थी? कहाँ से बढ़िया थी? सही फैसले लिया तेरे अब्बा ने। अबे भैया, जब तू चला गया ना मशवरा करने, तेरी माँ बहनों को गाली तलक बक रही वो यार। उसे भूल जा, बेकार लड़की है वो, कहीं और से शादी करिए, दहेज तलक मिलेगा। क्यों इतनी बड़ा चढ़ा के बता रही यार, रहन दे। भोसड़ी को तुम्हें यकीन ना होता, यूं ही तो मुझे बुरा लगा। सुनो रे सारे गांव वालों, ये सारी खेती की जमीन जल्द से जल्द देवराज के नाम हो जानी चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा एक मॉल बनने वाला है। अरे भाई, वो जमीन तो हमारा सब कुछ है, उस पे हमारी खेती बाड़ी होती है, हम कैसे दे देंगे वो जमीन? गलत है ये। ऐसा है, सबकी गांड एक साथ मारूंगा, कुछ गलत वलत ना है। तू क्यों बोला भाई? मुझसे बर्दाश्त ना होगा जो आपके खिलाफ बोलेगा। फ्री में नहीं ले रहे, पैसा मिलेगा सबको।
मुझसे भी तो ना हो ही बर्दाश्त। थोड़ी बर्दाश्त भी करनी सीखो। सबको पैसा मिलेगा, फ्री में नहीं ले रहे हैं तुम्हारी जमीन है। कितने पैसे मिलेंगे? सबको 10,000 रुपए मिलेंगे। 4 लाख की जमीन के 10,000 रुपए दे रहे हैं। मर सुटिया। मेरी तो 60 गज है, तुम 5,000 भी दोगे वो भी रख लूंगा। अबे अभी सिर्फ मैं आया हूँ तो तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर ये देवराज के नाम में जमीन ना हुई ना तो फिर देवराज आएगा, इस पूरे गांव को शमशान बना देगा 5 मिनट में। भाई साहब मैं भी यही कह रही हूँ, बहुत सुअर है गांव वाले। तुम जाओ देवराज भाई को भेजो, इनकी गांड पे केकड़े लौट जाएंगे, तुरंत जमीन देंगे। मुझसे क्यों कह रहे हो यार, देवराज भाई को लाओगे या ना लाओगे मर्जी है तुम्हारी, मैं तो गांव वालों की तरफ हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, आऊंगा दोबारा, जमीन के कागज तैयार रखना। अबे साले गांडू तू बाबला, तूने हम सबको फंसवा दिया। अबे चुप, जमीन जरूरी है जान जरूरी है? सही कह रही है ये, अब हम कर भी कह सकते हैं ना, हमारा पुलिस साथ देगी ना एमएलए, और मुझे तो लगता है इस काम में भी एमएलए का हाथ है। अब तो एक ना एक दिन हमें एक घर जमीन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। मरे, मैं तो इस लोलिया को सेट करके रहूंगा। लव लेटर। क्या है? पता ना पापा क्या है, पर्चा आया। पढ़ी से जरा। मैं हूँ तुम्हारे सपनों का राजकुमार, जो मोटा तुम्हें कल देखने आया था मैं उसका दोस्त हूँ टोपे वाला। देखो भले ही मेरे पास गाड़ी नहीं है पर तेरे पापा अपाचे देंगे, वो मेरी ही हो जाएगी शादी के बाद। सुनो तुम गई अस्पताल दवाई लेने, तुम हो गई ठीक पर तुम अपने प्यार में मुझे कर गई बीमार। मैं चाहूँ चांद पर जा सकता हूँ लेकिन जाऊँगा नहीं, क्योंकि तू तो धरती पर रहती है ना मेरी जान। मैं करता हूँ तुझसे बहुत ज्यादा प्यार, रात को देखेंगे बैठ के समाचार, पूरी रात को बजाऊंगा तेरा बाजा और तू मेरी रानी मैं तेरा राजा। जल्दी से आके चुम्मा देके चली जा बाहर, मैं खड़ा हूँ तेरे इंतजार में और समझ जाऊंगा तू करती है मुझसे प्यार। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। रुक साले, टांगे काट के छप्पर पे फेंक दूंगा, इस मोहल्ले में दिखाई भी मत दे जिए। सालो कुत्तो, तुमने अभी तक जमीन के पेपरों पर साइन नहीं करे है ना, तुम्हें जान प्यारी नहीं है अपनी, जाओ अपने घर और जमीन के पेपर लेके आओ। अरे भाई हमारे पास जमीन के सिवा है क्या, और तुम पैसे भी इतने कम दे रहे हो, हम ना देंगे तुम्हें जमीन। अबे मोटे कद्दू, तुझे रकम कम लग रही है, मेरा ले ले, ये मोटी रकम है, आ जा। अरे अरे भाई 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 भाई, छोड़ दो इसे यार, भाई छोड़ दो इसे। तुम्हारी सालों समझ में नहीं आई ना, अब देवराज आएगा और लाश से बिछा देगा। भाई हम अपनी जमीन देने को तैयार हैं, देवराज भाई से मत कहो। यार चाहे मेरी जमीन गांव के अंदर है या ना है पर ऐसे तो हम गरीबों को सताया ही जाएगा ना, अब मैं ये नहीं होने दूंगा। ओए जा कह दे अपने देवराज से कोई भी उसके नाम में जमीन नहीं करेगा, जो उससे हो कर ले हमारा।
कैसी लगी आपको वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताओ। इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और जानते हैं कि ज्यादा टाइम हो गया, अगली बार से नहीं होगा, तो जरूर कमेंट करके बताना और लाइक के बिना तो जाना ही मत। जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस। कर दो यार, नादिर भाई ने कह दी तो। और शेयर करो यार वीडियो को बहुत। सो गाइस जल्दी से जाके इसे दोस्तों अपने शेयर कर दो।